हेलो ब्रेवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन डायलेमा की कि हम किसी टॉप आईटी या टॉप एनआईटी से मेटलर्जी ब्रांच चूज करें या फिर किसी लोअर आईटी या न्यू आईटी से सीएस या ईसी चूज करें। तो बच्चे, इस बारे में हम डायरेक्ट कोई राय देने से पहले कुछ बातें डिस्कस करना चाहूँगा कि क्या प्रोज या कॉन्स हैं अपने अपने, सबके अपने अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें कि मेटलर्जी में क्या क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो मेटलर्जी बच्चे, अगर हम थोड़ा सा अगर ब्रॉड सेंस में बात करें तो मेटलर्जी, जैसा कि नाम से पता है आपको, मेटल, ठीक है, कि मेटल को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके ओर से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर जो मेटल मिलता है हमें या तो उसी मेटल का यूज़ करते हैं या फिर दो डिफरेंट डिफरेंट मेटल को यूज़ करके अलॉय बनाते हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम चेक करके देखते हैं कौन से अलॉय की ज़्यादा टफनेस अच्छी है, हार्डनेस अच्छी है, या फिर जिस यूज में हो रहा है, क्योंकि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती हैं और उसी हिसाब से हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को वेरी करते हैं, चेंज करते हैं। और यही सब काम ब्रॉड सेंस में मेटलर्जी में हम करते हैं कि जैसे कोई एरोप्लेन है तो उसमें हम कौन सा मटेरियल यूज़ करें कि वो लाइट वेट का हो जाए और क्वालिटी भी बनी रहे। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सब हम मेटलर्जी में ही करते हैं। अब हम इसमें पढ़ते क्या है मेटलर्जी में, तो इसमें बच्चे हम पढ़ते हैं फ्लूड एंड हीट ट्रांसफ़र। अगर इसके कोर्स करिकुलम की बात करें तो सबसे पहले फ्लूड एंड हीट ट्रांसफ़र, जो कि हम 12th में भी पढ़े रहते हैं, आपने फ्लूड पढ़ा होगा, फ्लूड बट हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा है, फ्लूड और हीट ट्रांसफ़र वगैरह इसी को थोड़ा सा हाइयर लेवल पर पढ़ाया जाता है। उसके बाद इसमें थर्मोडाइनमिक्स ऑफ मटेरियल भी पढ़ाया जाता है। अच्छा, थर्मोडाइनमिक्स ऑफ मटेरियल में क्या पढ़ाया जाता है, इसमें जैसे कोई मटेरियल है या कोई अलॉय है या कोई मेटल है तो उसको हम हीट करके अचानक से पानी में ठंडा कर दें या फिर उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ठंडा करें, तो बच्चे इन सब डिफरेंट डिफरेंट केसेस में उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम ठंडा किए सेम तरीके से ठंडा करने पर सेम प्रॉपर्टी, बट अगर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप ठंडा कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। ये सब चीज़ें बच्चे हम थर्मोडाइनमिक्स ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं। फिर टेस्टिंग ऑफ मटेरियल भी हम मेटलर्जी में पढ़ते हैं। टेस्टिंग ऑफ मटेरियल क्या है कि कोई मटेरियल या अलॉय है हमारे पास, तो उसकी टफनेस क्या है, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, उसकी हार्डनेस क्या है, उसकी सॉफ्टनेस क्या है, ये सब चीज़ें, और उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये सब जो फैक्टर होते हैं वो हम टेस्टिंग ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं कि किस चीज़ का मटेरियल की कार हम बनाएं कि इसकी सॉफ्टनेस या टफनेस किस जिस हिसाब से रिक्वायर्ड है वो मिल जाए। तो ये सब बच्चे हम टेस्टिंग ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं। उसके बाद आयरन मेकिंग भी कोर्स करिकुलम में आता है। अच्छा, आयरन मेकिंग क्या है, आयरन मेकिंग मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट जो भी आयरन के ओर होते हैं, जैसे कि आपका कोयला हो गया, और फिर इन सब चीज़ों से मिलाकर हम आयरन का जो ओर होता है उसमें ये सब मिक्स करके जो हम प्योर फॉर्म में आयरन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो आयरन मेकिंग में हम बच्चे ये सब पढ़ते हैं। फिर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड कोरोजन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड कोरोजन की बात करें तो हम मटेरियल या अलॉय को कौन कौन सा और उसमें मटेरियल ऐड कर दें, किस तरीके का अलॉय बना दें कि वो कोरोजन उसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज़ किया जा सके वो हम कर सकें, ये सब भी हम मेटलर्जी में पढ़ते हैं। फिर हम एलॉय स्टील, और अगर एलॉय स्टील की बात करें, एलॉय मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेटल मिलाने पर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के किस तरीके से फेरो एलॉय, कुछ होते हैं नॉन फेरस एलॉय, नॉन फेरस मतलब जिसमें आपका एफ ई नहीं है उनको हम नॉन फेरस बोलते हैं, फेरो एलॉय जिसमें आपने एफ ई का यूज़ किया है। तो इस तरीके से कैटेगराइजेशन करके हम डिफरेंट डिफरेंट एलॉय पढ़ते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, और एक फाउंड्री टेक्नोलॉजी होती है, नैनो मटेरियल्स के बारे में भी पढ़ते हैं। फाउंड्री टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोल्ड होते हैं, उसमें मेल्टेड कोई मेटल है उसको डालते हैं और उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप देते हैं, ठीक है, कि जैसे कोई शेप ऐसे तो बन नहीं जाता, मान लो मुझे अंगूठी बनानी है तो मैं क्या करूँगा, इसका सबसे पहले मोल्ड बनाऊँगा, फिर उसमें मेल्टेड शीट डालूंगा तो कुछ मोल्ड बन के तैयार होगा फाइनली। फिर उसमें क्या क्या गड़बड़ी आ सकती है कि कहीं पर अगर एयर के बबल आ जाएँ तो वहाँ पर मेटल नहीं पहुँच पाएगा, तो उसमें फिर क्या, थोड़ा सा ऑब्वियस है कि जो उसका ओरिजिनल शेप होगा वो तो मिल नहीं पाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब हम मेटलर्जी में पढ़ते हैं। अब इनसे रिलेटेड अगर कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो बच्चे देखें, कैरियर अपॉर्चुनिटी दो तरीके की होती हैं किसी भी टॉप कॉलेज में, या तो आप प्लेसमेंट में अपीयर हो सकते हैं, कुछ बच्चे प्लेसमेंट में अपीयर होते हैं, प्लेसमेंट में ऑलमोस्ट 60 से 70 बच्चे रहते हैं, ठीक है, किसी मेटलर्जी ब्रांच में किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज से। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आती हैं, अगर आप प्लेसमेंट में अपीयर हो रहे हैं सपोज़, तो प्लेसमेंट की जो कंपनीज़ हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे सबसे पहले तो वेदांता है, वेदांता आप जानते होंगे, रिलायंस है, जिंदल स्टील है, ठीक है, टाटा स्टील है,
ये सब मेजर कंपनीज़ हैं, HTML है, ये सब मेजर कंपनीज़ हैं जो कैंपस विजिट करती हैं, और एक कंपनीज़ 5 से 6 बच्चे लेकर जाती है, और इस तरीके से अगर 10 कंपनी आ जाती हैं तो ऑलमोस्ट सबका कोर में हो जाता है, और कुछ बच्चे नॉन कोर प्लेसमेंट में बैठते हैं। नॉन कोर का मतलब कि जो जो प्लेसमेंट ब्रांच से रिलेटेड नहीं है, जैसे कोई मान लीजिए मेटलर्जी से पढ़ रहा है, उसको बिजनेस एनालिस्ट में जाना है, तो बच्चे नॉन कोर प्लेसमेंट बोली जाती है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आती हैं जो प्लेसमेंट के लिए आती हैं, कभी कभी कोई PSU भी विजिट कर लेती है कैंपस में, ठीक है। अब कुछ बच्चे प्लेसमेंट में नहीं बैठते, वो गेट की तैयारी करते हैं। अच्छा, गेट की तैयारी के बाद हमें क्या क्या मिल सकता है? गेट की तैयारी के थ्रू बार्क मिलता है, बार्क आप सब जानते होंगे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, DRDO भी मिलता है। उसके अलावा अगर हम कुछ PSUs की बात करें, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग की, तो कुछ PSUs में सबसे पहला जो PSU है वो जो सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, दैट इज़ IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद आपका ये सेल हो गया, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सब ऐसे बच्चे कुछ PSU हैं जो गवर्नमेंट जॉब आपको प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। सेल हो गया, नॉल्को हो गया, और आपका IOCL। अब ये कब तक, कितनी रैंक तक मिल जाती हैं? तो जनरली बच्चे गेट के थ्रू जो बच्चे अपियर होते हैं मेटलर्जी में, वो होते हैं 3000 के आसपास, ठीक है। और अदर ब्रांचेस का अगर आप देखेंगे कितने बच्चे गेट में अपियर हुए, वो होता है 1.5 लाख, और इसमें होते हैं 3000, क्योंकि ये जनरली टॉप कॉलेजेस में होती हैं, क्योंकि इसके जो इक्विपमेंट होते हैं, जो स्टडी में लगता है, वो सब बच्चे बहुत ही महंगे महंगे इक्विपमेंट आते हैं, इसलिए जनरली ये आपको टॉप IIT या टॉप NIT में ही ये ब्रांच मिलेगी। तो वहाँ से बच्चे जो बच्चे होते हैं वो करीब करीब 3000 या 3500 के आसपास गेट में अपीयर होते हैं मेटलर्जी के थ्रू। उसमें से अगर आपकी रैंक टॉप 50, टॉप 100 में है, तब आपको PSU मिल जाती है। उसके अलावा कुछ बच्चे रिसर्च में भी जाना चाहते हैं, तो कुछ बच्चे PSU प्रेफर करते हैं, कुछ बच्चे चले जाते हैं आपके रिसर्च में। रिसर्च में M.Tech करते हैं, M.Tech के बाद PhD करते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी से करते हैं, या फिर हो सकता है IIT बॉम्बे से करें, या फिर IIC बैंगलोर से, उसके बाद आप प्रोफेसर वगैरह बन सकते हैं। तो ये बच्चे कुछ कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात रही। इसमें गेट का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि इसमें थोड़ा कंपटीशन कम रहता है और ब्रांचेस के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि वो भीड़ अलग हो जाती है। जब आप IIT NIT में घुस जाते हैं तो जो अलग भीड़ रहती है वो अलग हो जाती है आपसे, तो आपको आपकी जो फाइट होगी वो केवल उन्हीं 3000 बच्चों में होगी, और अगर उनमें आप कंपीट करते हैं और आगे आते हैं तो आपको PSU डायरेक्ट मिल जाती है। तो ये रही बच्चे थोड़ी सी कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात। अब हम बात करें कि किस तरीके से आपको क्या चूज करना चाहिए। CS के बारे में आपको बहुत सारा आइडिया होगा ही ऑलरेडी, ये जो वीडियो था ये पर्टिकुलर मेटलर्जी के बारे में बताने के लिए मैंने बनाया था। अब इसमें अगर हम बात करें कि CS और मेटलर्जी में आपको कौन सा चूज करना चाहिए, तो बच्चे ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। मेरे ओपिनियन में कि आपको किस टाइप की लाइफ चाहिए, जैसे अगर आप CS से पढ़ते हैं, ठीक है, तो CS के थ्रू आपकी जो प्लेसमेंट होती है वो होती है जनरली जो भी IT कंपनीज हैं उनमें, और उनकी जो मतलब वर्क प्लेस होता है वो जनरली मेट्रो सिटीज़ में, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, यहाँ सब होता है, ठीक है। और उनकी जो थोड़ा सा रस लाइफ होती है उसको अगर आपको पसंद है तो आप CS IIT को परस्यू कर सकते हैं। इसके थ्रू जो जॉब मिलती हैं वो थोड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में मिलती हैं, जैसे भिलाई हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, RINL विशाखापट्टनम में है, वो भी मेटलर्जी के थ्रू लेती है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, RINL YZ, वो ये। तो अगर आप मेटलर्जी के थ्रू जाते हैं तो आपको इस तरीके की जगह मिलती है, जैसे YZ हो गया, कल्पक्कम हो गया, या फिर आपका भिलाई हो गया, या बोकारो हो गया, इस तरीके, या राउरकेला हो गया, तो आपको ऐसी जगहों पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। अब आपको कैसी जगह पसंद है, थोड़ी सी मेट्रो सिटी, या फिर जहाँ नेचुरल ब्यूटी काफ़ी अच्छी खासी रहती है, इन सब जगहों पे जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं उनमें, तो आपको किस तरीके की जगह पसंद है, किस तरीके की लाइफ पसंद है, ये आप पर डिपेंड करता है। आप उसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं, या तो आप टॉप NIT या टॉप IIT से मेटलर्जी चूज कर सकते हैं, या न्यूअर IIIT, या फिर न्यूअर NIT से CS चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे ये मेरा व्यू हुआ, और आप इसमें से जो भी डिसाइड करेंगे, ठीक है, ये आपने इंटरेस्ट के अनुसार डिसाइड करिएगा। CS अगर आप डिसाइड कर रहे हैं तो उसका एक बार करिकुलम देख लीजिएगा कि आपको क्या वो पसंद है। इसका मेटलर्जी का करिकुलम मैंने आपको बताया, आपको अगर ये पसंद है, क्योंकि बच्चे 4 साल हमें वहाँ पर गुजारने होते हैं, तो बेटर है कि वही चीज़ हमें पढ़ें जो हमें पसंद है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। All the best.